हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो पॉजिटिव ही साइन मिल रहा है। देखिए आप लोग, ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको सभी मार्केट में, लेकिन थोड़ी हल्की बढ़त है, लेकिन बढ़त के साथ मार्केट चल रही है। मार्केट देखिए, यूएस मार्केट भी पॉजिटिव ही ओपन हुए हैं। अब अगर ये पॉजिटिव बंद होते हैं तो हमारी मार्केट में कल धुआं धाड़ हंगामा होना है ग्रीन कलर का। तो कल मैं किन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखूंगा, किस पर ध्यान दूंगा, तो मैं उनको एक दिन पहले ही रिसर्च करके रख लेता हूं। तो कल मेरी रडार पर रहेगा इंडस टावर। इंडस टावर की बात करें तो फंडामेंटल में देखिए, इसका जो है आज का हाई है 236 का और क्लोज हुआ है अपना यहाँ पर 229 का। अगर इसके चार्ट की बात करें, चार्ट में क्या मजबूती दिखाई दे रही है या फंडामेंटल पूरा आप देख लेते हैं इसको नीचे से। तो देखिए फंडामेंटल इसके मजबूत हैं, एकदम परफेक्ट फंडामेंटल दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट भी इसका इस बार बहुत ही अच्छा आया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1295 से बढ़ के 154 हो गया करोड़ में। और कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है और प्रमोटर भी 69% हैं। और देखिए आपको यहाँ पर विदेशी भी इन्वेस्टर FIDI भी दिखाई दे रहे हैं और 2 पॉइंट कुछ करके यहाँ पर पब्लिक है। तो फ्रेंड्स, मुझे कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, वैसे भी मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें एक खबर भी आने वाली है कि यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया है वो इसको थोड़ा सा पैसा वापस करने वाले हैं जो इसका कर्ज का था। और 347% क्वार्टर थ्री में ये कंपनी इंक्रीजमेंट हुई है इसकी प्रॉफिट, इसीलिए कंपनी आज बहुत भागी है। तो कल भी मेरे ये रडार पे रहेगी, भारतीय एयरटेल से संबंधित कंपनी ये है। और चार्ट पे देखता हूँ क्या है। तो देखिए चार्ट अगर हम लोग मूविंग एवरेज 50 मिनट का देखते हैं तो देखिए अभी भी बहरहाल वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि 50 से नीचे नहीं गया है। और अगर हम बात करते हैं वन डे पे तो वन डे का भी ग्राफ पॉजिटिव है, एंड बात करते हैं वन वीक पे तो ये भी पॉजिटिव है, एंड बात करते हैं वन मंथ पे तो ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव फ्रेंड्स, ये यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। वन मंथ का चार्ट जो है वो देखिए, अगर वन मंथ का आप लोग एक महीने के लिए होल्ड करने की सोच रहे हैं तो ये जो मूविंग एवरेज है अभी 20 डेज EMA है जो, वो इससे ऊपर आना चाहिए। अभी ये नीचे है तो ये नेगेटिव है वन मंथ वाला, और वन वीक वाला ये पॉजिटिव है। तो एक सप्ताह के लिए तो हम उसको पॉजिटिव देख सकते हैं। बात करते हैं अगली कंपनी की। तो मेरी कंपनी में जो नेक्स्ट जो है मेरी वॉच लिस्ट में रहेगी वो HFCL रहेगी। तो HFCL का अगर हम चार्ट देखते हैं ऑल टाइम, तो अभी हाई पे ही चल रहा है। और अगर हम इसको क्रोम पर जाके देख लेते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ा हाई मारा था इस कंपनी ने, लगभग 2138 का 2000 में। फिर इसके बाद ये कंपनी बहुत ही डाउन रही, इसमें कोई केस वगैरह लग गया था, तो उसके बाद में कंपनी बहुत ही नीचे आ गई थी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, लेकिन अभी इस समय बहरहाल इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये कंपनी भी टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है और गुरुग्राम में स्थित है इसका, और फाइबर वगैरह, ऑप्टिक, दूरसंचार, सभी केबल वेबल बनाने का काम और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिज़ाइन करने का, नेटवर्क बनाने का काम करती है ये कंपनी। और इसके बाद में मैं इसको कल अपनी रडार पर रखूँगा, क्योंकि मुझे कल भी इसमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ चार्ट की, तो चार्ट पर जाके देखते हैं तो चार्ट क्या कह रहा है इसका, पॉजिटिविटी है। तो भाई देखो, पाँच वन डे वीक पे तो पॉजिटिव है, एंड वन मंथ पे अगर देखें तो देखो मंथ पे भी पॉजिटिव है, एंड डे पे देखें तो डे पे भी पॉजिटिव है, एंड वो 5 मिनट पे देखते हैं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है कंपनी। फ्रेंड्स, मेरी कल रडार पे रहेगी पूरी, और मैं चाहता हूँ कि कल मेरे को ये कंपनी 100 पे या 103 पे मिलती है मुझे, तो मैं यहाँ कल इसको बाई जरूर ही करूँगा मैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी भी स्टॉक की आपके लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करता कि आप खरीदो या बेचो, क्योंकि वो आपकी
ड्यूटी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह करने के बाद इससे कुछ भी करें। बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 580 से अब ये कंपनी यहाँ पर 166 पर चल रही है, लेकिन वॉल्यूम इसका बहुत ही हाई आया है। तो अगर रेटिंग देखी जाए तो वो भी बहुत ही अच्छी चल रही है, और इसके फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस वगैरह, पी रेशियो वगैरह कुछ माइनस में जा रहा है। बुक वैल्यू तो सही है, फेस वैल्यू भी सही है, लेकिन ये डेट भी कम है और इसका प्रॉफिट प्रॉफिट के मामले में थोड़ा ये फ्रेंड्स गड़बड़ है। आपको पता है जी इंटरटेनमेंट का तो क्या काम है, और इसके जो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रमोटर ही नहीं दिखाई दे रहे, FIDI ने ये कंपनी को, तो मैं लेकिन इसमें कल मैं इसको इस पे को भी रडार पर रखूंगा, वॉच लिस्ट में इसको भी रखूंगा, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम जो आया है आज बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, तगड़ा वॉल्यूम आया है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है देखिए, तो मैं इसकी वजह से यहाँ पर पकड़ूंगा। और यहाँ पर देखते हैं न्यूज़ कैसी है कुछ करके। तो हाँ, एक न्यूज है कि सोनी जी के साथ जो विलय का समझौता इन्होंने खत्म कर दिया है, सोनी जी के साथ जो विलय होने वाला था वो खत्म हो गया है। अगर हम बात करें चार्ट की, इसका चार्ट ग्राफ क्या कह रहा है, तो ग्राफ में पॉजिटिविटी है कि नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ हमें देखनी होती है किसी भी कंपनी में, किसी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले। तो ये नेगेटिव मेरे को दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं बनडे की, तो बनडे पर भी नेगेटिव ही है फ्रेंड्स। एंड वीक की बात करें तो भी वीक में देखिए, अभी अगर बात करें EMA की, तो ये तो कट नहीं किया है, तो ये तो पॉजिटिव है कि यहाँ से इसके ऊपर आने के चांस हैं। बात करें मंथ की, बात करें तो देखिए मंथ पे भी इसका EMA जो है वो 50 EMA से तो ये नीचे है, लेकिन लेकिन 44 EMA से ये ऊपर है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, बोले तो नेगेटिविटी ही है कंपनी में अभी। तो मैं थोड़ा लेकिन ध्यान रखूंगा कल इसका, इसको रखूंगा जरूर अपने वॉच लिस्ट में, तो मैं जरूर रखूंगा। आगे लिस्ट में बात है हमारी IDBI बैंक। तो इसका अगर हम बात करें ग्राफ की और इसके फंडामेंटल की, तो देखिए फंडामेंटल तो इसके बहुत कसम है, एकदम बिंदास बढ़िया कंपनी है, डेट फ्री कंपनी लगाई दे रही है, और मेरे को बहुत ही अच्छी कंपनी, मेरे को बहुत ही पर्सनल अच्छी लगती है। और प्रॉफिट में देखिए बहुत ही, देखिए क्या शानदार ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में। नेटवर्थ भी देखिए क्या अच्छी है बिंदास, लेकिन कमी एक ही है मित्रों यहाँ पर कि ये जो प्रॉफिट इसने अगर हम ईयरली देखते हैं तो वो थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। और ये सरकारी कंपनी है और बड़े सी ले रही है, क्योंकि इसको यहाँ पर सरकार प्राइवेट कर सकती है, तो इसीलिए ये कंपनी बढ़ रही है। आगे आप लोग देख सकते हैं 94% तो प्रमोटर ने ही ले रखे हैं, मतलब सरकार के पास ही है इसके शेयर। और बात करें कुछ, कोई खबर तो नहीं आ रही जिसके पीछे ये भाग रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी कोई खबर है नहीं जिसके दम पर ये भाग रही है। बैंकिंग IDBI भारत के प्रमुख बैंकों में से सरकारी बैंक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सरकारी बैंक है, अन्य बैंक की श्रेणी में रखा है भारत का। सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 को चला था ये बैंक। तो बैंक बहुत अच्छी है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। बहुत देखते हैं इसका हाई क्या है, तो हाई भी ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई से नीचे आई हो, 184-190 है। तो मेरे लिए कल ये जो कंपनी है वॉच लिस्ट में रहेंगी, पहली इंडस टावर, HFCL, जी इंटरटेनमेंट एंड IDBI, मैं इन कंपनी को कल अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखूंगा। और एक कंपनी और है जिसको मैं रखने वाला हूँ वॉच लिस्ट में, जो है यहाँ पर कौन सी है, वो है टाटा पावर, ये मेरी कल वॉच लिस्ट में भी कंपनी रहेगी। इसका ऑल टाइम देखते हैं तो हाई पे चल रहा है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके फंडामेंटल की, बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहे हैं, एकदम बिंदास, कर्ज तो रहता ही है टाटा की कंपनी पे, प्रमोट प्रॉफिट भी सही चल रहा है और नेटवर्थ भी सही है। इसके बाद में आपको बताइए टाटा का पावर जनरेशन और रिन्यूअल उसमें काम कर रहा है, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में,
और प्रमोटर भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर, एफ आई तो नहीं दिखाई दे रहे लेकिन डी आई यहाँ पर हैं, और वो होंगे यहाँ पर। अगर हम सी मोर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ आई भी हैं साहब, डी आई भी हैं, एफ आई भी हैं। और कंपनी का अगर हम लोग देखते हैं ग्राफ, तो कल मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखूंगा। और मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं खुद पर्सनली इंट्राडे पे ज़्यादा बेअप। देखो फ्रेंड्स, मेरा जो टारगेट है वो इसने आज हिट किया है, मेरे टारगेट पहले ही लगा के रखा है, आपके सामने तो नहीं लगाया ना। लेकिन मैंने जो टारगेट इसने मेरे को इंट्राडे में आज हिट किया है, और कल भी मुझे लग रहा है कि इसका जो है मेरा 365 का टारगेट रहेगा कल इसके लिए, तो कल भी मेरे को हार्ड लग सकता है। और कल मेरे को अगर ये कंपनी 200 है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कल के लिए बताता हूँ अपना, कल मेरे को ये कंपनी अगर 355 पे मिलती है तो मैं 365 के लिए इसको कल के लिए बाई करूँगा मैं फ्रेंड्स। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप भी कर लो, देखिए वीक और डे पर क्या है, पॉजिटिव है, और मंथ पर भी पॉजिटिव ही नज़र आ रही है, बहुत अच्छा ग्राफ चल रहा है, बहुत ही अच्छी आगे आने की उम्मीद है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, 1 मई 2020 में ये कंपनी 30 रुपये की होती थी, 30 रुपये की फ्रेंड्स, आज देख लो कितने की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाते जाते दर्शन कर लें ग्लोबल मार्केट के, तो देखिए सारी मार्केट पॉजिटिव है पूरा, डॉव जोन्स, नैस्डैक, रसिया वसिया सब पूरा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कल भी अपना बाजार में जो है ग्रेट जो ग्रीनरी छाई रहेगी। मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।